अलवर में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में हिंदू आदि संगठनों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हरियाणा में कथित लव जेहाद के नाम से निकिता तोमर की हत्या के आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग भी की गई। साथ ही पिछले दिनों अलवर के भ्याड़ी गांव निवासी के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला भी सामने आया था, जिसमें पीड़ित ने इस्तगासे के मार्फत मामला दर्ज कराया था। इसी सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने बाबत राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अभी जो बल्लभगढ़ में लव जिहाद की घटना हुई है, धर्म परिवर्तन करवा करके एक निकिता तोमर नाम की बेटी को जिहादियों ने गोली मार करके हत्या कर दी, उसके विरोध में और अलवर जिले में मेवात में जो लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं, उनके विरोध में आज हिंदू समाज के सर्व समाज के युवा यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हिंदू समाज के युवा ने अब तय कर लिया है कि अब यदि लव जिहाद हुआ, अब यदि धर्मांतरण हुआ, तो हम इसका कड़ा प्रतिकार करते हैं और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आज का जो मुद्दा है, ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। किनके नाम ज्ञापन दे रहे हो? विरोध प्रदर्शन कलेक्टर के नाम, कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है।